हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ पे आदिकाल से खेती पद्धति अपनाई हुई है। और पुरानी पद्धति को अगर हम लोग देखते हैं तो वो पूर्णतया जैविक खेती पर ही आधारित दिखाई देती है। जैविक खेती के बहुत सारे लाभ होते हैं, तो सबसे पहले मैं उसे एक सीक्वेंस में एक सीरियल क्रम में बताना शुरू करते हैं। जैसे जैविक खेती से सबसे पहला लाभ होता है, हमारी मृदा की गुणवत्ता पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और मृदा की गुणवत्ता बहुत अच्छी बनी रहती है, या हम कह सकते हैं कि मृदा की गुणवत्ता टिकाऊ बनी रहती है, जो लंबे समय तक हम लोगों को बहुत अच्छी उर्वरा शक्ति के होते हुए बहुत अच्छा उत्पाद दे सकती है। दूसरा, हमारे किसानों पर जैविक खेती करने से बहुत प्रभाव पड़ता है, उनकी खेती में लागत कम हो जाती है, उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम इस पद्धति को अपनाते हुए 3 से 5 साल चलते हैं तो हमारा उत्पादन लगभग एक जैसा हो जाता है जो हम रसायन खेती के द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरा लाभ हम लोगों को, जैसा कि सभी हम लोग जानते हैं, इस वक्त जलवायु परिवर्तन से हम सभी लोग जानकारी रखते हैं जलवायु परिवर्तन की, जिसका कि डायरेक्ट इफ़ेक्ट हम लोगों के खेतों पे, खेत के प्रोडक्शन पे और हमारी सेहत पे पड़ता है। ये जो दुष्परिणाम है इसे हम कुछ कम कर सकते हैं यदि हम लोग जैविक खेती अपना लेते हैं। जैविक खेती के उत्पाद से हमारी सेहत पे बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। जैसा हम लोग समझ सकते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा नंबर में कैंसर पीड़ित लोग देखने को मिलते हैं, और ये कैंसर बहुत ही मतलब रसायनों से उत्पादित किए हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उनके खाने से हम लोगों के शरीर में कोशिकाओं को नष्ट करते हैं और कैंसर उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि हम उत्पाद जो हमारा जैविक खेती के द्वारा किया गया हो वो उत्पाद अगर हम लोग यूज़ करते हैं खाने में, तो हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरा, हम एक लास्ट जो मैं बताना चाहूँगा कि इसका क्या लाभ हो सकता है, वो लाभ होता है हमारे किसानों के कम लागत और अधिक लाभ के लिए, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम होती है। कम कैसे होती है, क्योंकि किसान को बाहर से बीज भी नहीं खरीदना होता है और ना ही बीज खरीदना होता है, ना ही खाद वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। वो सारा खाद अपने यहाँ पर बना सकता है, अपने बीज को स्टोर कर सकता है और उसी को अगले वर्ष के लिए उसे फिर से अपने खेत में उपयोग कर सकता है। इस प्रकार उसमें लागत को काफ़ी कम किया जा सकता है और जैविक उत्पाद को विश्व मार्केट में भी बहुत ज़्यादा कीमत पर लोग खरीदना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग अपनी सेहत के लिए काफ़ी ध्यान देने का विचार बनाए हुए हैं। जैविक खेती से उत्पाद की हुई फल एवं सब्जियों को संरक्षण करने के लिए हम उसे काफ़ी लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं, जबकि रसायन के द्वारा उत्पाद की हुई सब्जियों एवं फलों को विघटन होना बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो उसकी संरक्षण को काफ़ी हार्म करते हैं, उसकी जो सेल्स हैं उन्हें नष्ट करते हैं। ये केमिकल्स केवल कीट और बीमारियों या व्याधियों को ही ख़त्म नहीं करते हैं, वो हमारे उत्पाद की सेल्स को भी हानि करते हैं और जो उसे खाते हैं या जो उसका इस्तेमाल करते हैं उनके भी शरीर पर उसी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है। जो लोग जैविक उत्पाद को यूज़ करते हैं उनका लाइफ या कहें कि जीवन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, और जो लोग रासायनिक प्रोडक्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका लाइफ स्पैन एक छोटा हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बीमारियां उनके शरीर में एंटर हो जाती हैं जो कि हमारी सेल को नुकसान पहुंचाती हैं।